रिजल्ट्स आया कि नहीं आया। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूं अनुराग पंडा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आई हैव अ चैनल ऑन एवरेज गाय एंड यू नो अबाउट इट। पहले आप जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैंने बीटेक कर रखा है और उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन किया, एक इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T ज्वाइन किया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर किया, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए और तीनों बार मैं फाइनल क्वालिफिकेशन तक नहीं जा पाया, मतलब हर बार किसी न किसी में अटक जाता था। फिर मैंने स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किए और फिर अभी मैं स्टेट का इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया हूँ। आज मैंने काफ़ी PSUs भी क्वालिफाई कर रखा है, जैसे कि कोल इंडिया मैंने क्रैक किया था। तो इस सब बोलने का मतलब यह है कि 10 से 12 घंटा मुझे पढ़ना पड़ता था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था एक्सरसाइज करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। लाइक 3-4 साल का जो प्रिपरेशन था उसके अंदर मैं आई थिंक डेली 10 से 12 घंटा पढ़ता था, 10 घंटा तो एवरेज पढ़ ही लेता था। और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करना कभी नहीं छोड़ा, तो मैं जिम जाता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने डाइट और न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखा और एक्सरसाइज डेली में 1-1.5 घंटा 10-15 मिनट किया करता था। तो उस सब एक्सरसाइज में एक थे, मतलब जब मैं 1-10-15 मिनट एक्सरसाइज करता था और मेन फोकस मेरा पढ़ने में रहता था, तो कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए जो मेरे गेंस को हैम्पर कर रहे थे। और अभी जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पे हूँ, मैं ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ एक्सरसाइज पे, तो उन सब पॉइंट्स को मैं कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था रिकवरी। मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगता था कि यार डाइट न्यूट्रिशन रख दूंगा और एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे गेंस अच्छे आएंगे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली ईयर्स आफ्टर ईयर एक्सरसाइज करते जाते हो, उसके बाद क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत आना स्टार्ट होता है और तब आता है मेन पॉइंट, वो है रिकवरी। अब रिकवरी करने का डिफरेंट फंडा होता है। सबसे जो मेन पॉइंट है जो मैंने मिस किया वो होता है रेस्ट। आपका रेस्ट कैसा जा रहा है, आप कैसे सो रहे हो रात को, रिकवरी कैसा जा रहा है, दो मतलब एक्सरसाइज के बीच में जो रेस्ट है वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। रिसेंटली मुझे पता चला कि कपिंग थेरेपी करके एक होता है। कपिंग थेरेपी मेनली, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैं वीडियो डालूंगा, साइड में दिखाऊंगा आपको कि कपिंग थेरेपी क्या होता है। ये एक चाइनीज टेक्निक है। इसमें आप डिफरेंट जो कप्स होते हैं, प्लास्टिक के उसी टाइप का कोई मटेरियल होता है, ग्लास तो नहीं था वो, के बॉडी पार्ट्स हो गए डिफरेंट वहाँ पे लगा के वो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, आपका मसल्स वहाँ पे थोड़ा अंदर कप की तरफ चला जाता है, तो उसमें आपके मसल्स के ऊपर, पर्टिकुलरली उस जगह पे जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का जो फ्लो है, कि मतलब आपका जो रिकवरी है वो थोड़ा जल्दी होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर कोई पार्ट में अगर स्ट्रेस, मसल्स में स्ट्रेस है या समथिंग है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो डिफरेंट वेज होता है, जैसे मसाज होता है, उस एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जाता है। ये वन ऑफ द वे है जिससे आप मसल्स के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे जब भुवनेश्वर में रह रहा हूँ उड़ीसा में, तो यहाँ पे एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके पास जाओ। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अराउंड 30-40 मिनट्स लगा। मैंने क्या करवाया, एक तो मैंने कपिंग करवाया, लेकिन उससे पहले मैंने एडजस्टमेंट करवाया मेरा जो डेडलिफ्ट या फिर डिफरेंट स्क्वाट्स, इस सब वेरिएशन से मेरा बैक हमेशा अकड़ा हुआ रहता है। ये दिक्कत बहुत लोगों को होता होगा क्योंकि बैक बड़ा मसल है और मैक्सिमम जो आपका जो टेंशन रहता है वो बैक में ही रहता है। तो बैक में जो मिड बैक होता है, जो ये पार्ट होता है ना इस जगह पे, मुझे हमेशा एक जो लाइन होता है अपना स्पाइंस का, वहाँ पे ना मुझे हमेशा एक टेंशन सा फील होता था। मुझे लगता था कि यार वहाँ पे कुछ करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से डॉक्टर, जो अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे पूछा कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला पहली बार आ रहे हो तो एक बार एडजस्टमेंट कर लो और ड्राई कपिंग कर लो। कपिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई कपिंग और एक दूसरा होता है वेट कपिंग। अब एंड रिजल्ट है कि रिजल्ट्स आया कि नहीं आया। हाँ, डेफिनेटली मुझे रिजल्ट आया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नाइट एंड डे डिफरेंस होगा, अभी बहुत दर्द हो रहा है और अभी अरे यार क्या हो गया, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही बार में आप, ये कोई मैजिक नहीं है, मतलब आपको टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली आपको मसल्स रिलैक्स्ड फील होंगे, उस दिन नहीं नेक्स्ट डे आपको फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा। और रहा ये निशान को देख के बहुत लोग डर जाते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल पेनलेस है। और मुझे भी पहले लगता था कि यार क्या है कि, मतलब मैं तो प्रो नहीं हूँ, ऐसा क्यों करवाऊँ। प्रो हो ना हो, इवन अगर आप 1-2 साल से भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मुझे तो मतलब टाइम नहीं था, स्कोप नहीं था, तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको टाइम और स्कोप मिल रहा है, 2-3 साल से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाय द वे,
दिस कैप इज़ फ्रॉम अर्बन मंकी. इसके ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला हुआ है और मेरे चैनल पे एक शॉर्ट्स पे होगा इफ़ यू वांट दैट. उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, डू चेक इट आउट. और बाइसेप्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि बाइसेप्स का पिक कैसे बनाए, उसका भी मैं वीडियो यहाँ पे अभी लिंक पे डाल दूंगा. चेक इट आउट इफ यू वांट टू ग्रो योर बाइसेप्स. 600 के बाइसेप्स 200 बाइसेप्स.